नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर मैं और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं और अपनी हर नई वीडियो के साथ कोशिश करते हैं आपको कुछ नई जानकारी दे सकें, कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें यहाँ पर सिखा सकें। तो आज के हम इस अपने वीडियो में बात करने वाले येस बैंक के बारे में। यहाँ पर फिर से हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। जैसा कि कल भी मैंने यही चीज़ बोला था कि आज भी मार्केट में 5% अपर सर्किट देखने को मिलेगा, मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला भी था। और अगर मैं पिछले हफ्ते की वीडियो सीरीज़ की बात करूं तो मैंने पहले भी बताया था ये ट्रेंड होगा कि पहले के 1 या 2 दिन मैक्सिमम हमें पहले लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, फिर अपर सर्किट ये मेंटेन करेगा। बट अभी हाई टारगेट ये कितना ले सकता है, 26-27 वाला जो टारगेट अभी बीच में इसने अचीव किया वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और क्या रीज़न था जो आज इसने इतना अपर सर्किट लिया, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको। साउथ इंडियन बैंक पे अगर आप स्टडी हमारी तरफ से देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा आपको, जहाँ से आपको मन करे वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम समझेंगे येस बैंक में 5% का अपर सर्किट अभी लग चुका है। अगर हम बात करें मार्केट करंटली एक तरह से क्लोज होने का टाइम हो चुका है, अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है बट क्लोज होने का टाइम हो चुका है जिस वक्त मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ पिछले के हफ्तों की, जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड बताया था साफ साफ आपको देखने को भी मिला है, जिन लोगों की कुछ कमेंट में क्वेरीज आई थी मैंने बताया भी था। और आज जो ये रीज़न था उसका एक मेन रीज़न यहाँ पर उठ के आ रहा है कि अभी येस बैंक की तरफ से एक न्यूज़ आई है मार्केट में कुछ समय पहले, जिसको देखते हुए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर दिखाई पड़े। और यहाँ पर अगर आज की हम बात करें मार्केट डेप्थ की, अगर टेक्निकल में हम जाते हैं तो यहाँ पर आज खाली बाइंग 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 हुई है, सेलिंग यानी कि बहुत कम हुई है यहाँ पर। उसका मेन कारण आप कह सकते हैं, जो कि मैंने कहा था ऑलरेडी, लोगों ने पिछले हफ्ते में क्या करा था, जो ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से आते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, उन्होंने अपर सर्किट लगते ही यहाँ पर माल बेच दिया था। मंडे को आपको ही पता था लोअर सर्किट में ही चल रहा था, पोजीशन बना दी। अब यहाँ पर अभी भी लोग बना रहे हैं, अपर सर्किट लगना चालू हुआ है, थोड़ा सा ये अपर सर्किट जैसे आपको देखते मिलेगा ही, आगे चल के फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ पर बहुत लोग यही चीज़ करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर वीडियो में लेके चलूँगा, अपने कुछ डाटा की तरफ लेके आऊँगा। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं मैं येस बैंक की साइट पे आपको लेके आ गया हूँ, NSE की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, मैंने रिफ्रेश कर दिए, 15.80 रुपये के करीब दिखा रहा है यहाँ पर, 4.98% यानी कि 5% की आज भी बढ़त देखने को मिली है मार्केट में। अगर मैं बात करूँ यहीं पर 52 वीक हाई, 52 वीक लो, तो 80 आप देख सकते हैं यहाँ पर 87 रुपीस तक गया है हाई की। अगर मैं बात करूँ ये 18 मार्च को डाटा था, और उसके बाद 52 वीक लो 5 रुपये तक भी पहुँचा है। मेन रीज़न आपको भी पता है कि मार्च के करीब यहाँ पर येस बैंक में थोड़ा सा आपको देखने को मिला था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, केसेस आए थे, एक तरह से बैंक बैंकरप्ट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करी गई थी, गवर्नमेंट आई यहाँ पर बैकअप करने के लिए बैंक को, RBI आई, गवर्नमेंट और RBI मिलके बैकअप कर रही थी, और आपने भी देखा लिक्विडिटी प्रोवाइड करी गई, थोड़ा बहुत धीमे धीमे यहाँ पर बैंक फिर से परफॉर्म करने लगा। अगर मैं आज की आपको डिलीवरी ट्रेडिंग दिखाऊं, अगर 3 बजे तक का ये डाटा है जो यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 25 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड करी गई, यानी कि अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आज खाली ट्रेड करी गई। अगर मैं खाली डिलीवरी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी ली गई, यानी कि बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पर येस बैंक में आज बनाई गई है। चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी ने करी हो यहाँ पर, कोई भी कंपनी भी कर सकती है, बट अभी उस पर कोई हमारे पास सोर्सेज नहीं, लेकिन 10 करोड़ के करीब यहाँ पर खाली डिलीवरी ली गई। परसेंटेज अगर आप देखते हैं तो 40% के करीब यहाँ पर डिलीवरी हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से लेके आता हूँ, बाय क्वांटिटी में आप देख रहे हैं 4.77 करोड़ के करीब यहाँ पर क्वांटिटी बाय करी गई है शेयर की, जो इसमें दिखाया जा रहा है अभी तक का एज पर डाटा। और सेल क्वांटिटी में अभी कोई डाटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सेल आज बहुत ही कम हुआ है, या आप कह सकते हैं कि शायद हुई नहीं है। इसमें लोग यहाँ पर पोजीशन बनाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि शेयर की अगर मैं बात करूँ, मैंने शुरू से बोला है अगर आप इंट्राडे के हिसाब से सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, हफ्ते दो हफ्ते में आप डबल करें और निकलें, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बनाना चाहते हैं अपनी पोजीशन, उनके लिए सही प्राइस चल रही थी, उन्होंने बना ली है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपर सर्किट देखने को मिल गया। तो चलिए हम उस न्यूज़ पे भी आते हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं येस बैंक फ्रीजेज एट 5% अपर सर्किट ऑन पेमेंट ऑफ 35,000 करोड़ टू RBI।
यानी कि 35,000 करोड़ की इन्होंने पेमेंट करी है आरबीआई को। तो ये क्यों करी है, यहाँ पर मैं अभी जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया था वही चीज़ें, जब इनको मार्च में ये बैंक बंद हो रहा था, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बैंक को आरबीआई और गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। 50,000 करोड़ में इनको डेडलाइन थी और कुछ अमाउंट पे करना था, जिसका यहाँ पर आज रिपेमेंट जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से जो सीईओ ने यहाँ पर बयान दिया है 35,000 करोड़ की रिपेमेंट करी जा चुकी है। अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर है और कहीं ना कहीं ये इस वजह से हो पाया क्योंकि जो येस बैंक का जो रिजल्ट नुकसान में जा रहा था, थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत उन्होंने कवर अप करा है और प्लस उन्हें रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिली है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ येस बैंक के FPO के बारे में, वो भी आप जान रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकरेज किया गया था, बहुत लोगों ने यहाँ पर FPO में सब्सक्राइब किया। और मैं बात करूँ चाहे शेयर के थ्रू, तो आप भी देख रहे हैं इस समय कैसा चल रहा है ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं इनके पास इतनी लिक्विडिटी आई और थोड़ा बहुत मेंटेन कर सके इन्होंने, और आज इन्होंने 35,000 करोड़ की रीपेमेंट कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं। येस बैंक शेयर वर लॉक्ड इन अपर सर्किट ऑफ 5% एट ₹15.78 ऑन द BSE ऑन वेडनेसडे आफ्टर द बैंक सेट इट हैज़ पेड 35,000 करोड़ आउट ऑफ ₹50,000 करोड़ ऑफ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF। यही चीज़ मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताई थी, यानी कि जो SLF की बात करें, यहाँ पर जो दिया गया था उसमें 35,000 रिपेमेंट कर दी गई थी, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद लगातार बाइंग यहाँ पर देखने को मिली, ये दूसरी बड़ी न्यूज़ थी, जिसके बाद ये येस बैंक अगर मैं बात करूँ आज 5% के अपर सर्किट में रुका। अगर मैं बात करूँ कल या आने वाले अगले कुछ दिनों की, तो जहाँ तक जो चांसेस है अभी भी 5% का अपर सर्किट लगने का, एक दो दिन अभी और चांसेस है यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पर लेके रखे हुए हैं पहले से, और अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेके रखे हुए हैं, अगर उन्होंने 11-12 रुपये का करीब या 10 रुपये के करीब खरीदा था पहले जब हमने रिकमेंड किया था, तो उनको अगर वो चाहें तो पार्ट शेयर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है वापस से लोअर सर्किट में भी आएगा अगर आप लोग पैनिक करते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है इसमें आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि बैंक ही इतने जल्दी बंद नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो पक्की बात है आपको रिटर्न मिलेगा। अगर अभी आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपना पैसा निकाल सकते हैं, अपनी पोजीशन ग्रो निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बैंक इतने जल्दी बंद नहीं होने वाला। बाकी अपर सर्किट लगेगा, उसके बाद फिर लोअर सर्किट आने के चांसेस हैं। रही बात टारगेट 26 की, तो वो अभी इतने जल्दी नहीं अचीव होगी, कम से कम अभी 1-2 महीने तक नहीं होगी। यहाँ पर यही ट्रेंड हमें बार बार देखने को मिलेगा, 5% अपर सर्किट लोअर सर्किट यही चीज़ चलती रही। अगर इस बीच में कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि शायद हमें ये देखने को मिल जाए, वापस से उस लेवल तक भी जा सकता है ये। जो हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली हमारी वीडियो आपसे ऐसे मिस आउट ना हो।